हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम सड़का किचन में। आज हम बनाएंगे ढोकला, जो कि हमारा बनेगा बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, उसके बाद हमारा ढोकला बिल्कुल ही परफेक्ट बनता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मैं डेली आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं बीच बीच में आपको सारी वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जिनसे हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। अक्सर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी रेसिपी वैसी नहीं बन पाती है जैसा हम चाहते हैं। ढोकला हमारा स्पॉन्जी नहीं बनता है, चिपका चिपका हो जाता है। तो आप रेसिपी को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने बेसन लिया है 2 कटोरी। बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। अगर आपका बेसन बारीक है तो आप रहने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 1 कटोरी मैं इसमें दही डालूंगी। थोड़ा सा कम डाला है 1 कटोरी से, और 2 कटोरे में हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम दही डाली हमने। 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी चीनी डाली है अप्रोक्स 1 छोटी चम्मच। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। पानी जैसे ही ज़्यादा डाल देंगे लंप्स बन जाएंगे और उसके बाद वो ठीक नहीं होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बनाइए। जब गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा तब आप उसके लंप्स जो है सही कर लीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्चर का बन जाएगा। उसके बाद आप कितना भी पानी डाल सकते हैं, पेस्ट बिल्कुल पतला बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में पानी नहीं डालना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं, ये हमें नहीं करनी है। ये है हमारी फर्स्ट खास टिप जो हमें ध्यान ही रखनी है। उसके बाद मैंने देखो इसका कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है, इसको हम बिल्कुल ऐसे पेस्ट बना लेंगे जैसा मैंने रखा है, वैसी कंसिस्टेंसी आप रखिए। अब हम इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 15-20 मिनट के बाद 1 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है 1-2 पिंच मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये पेस्ट हमारा देखो कितना फ्लफी फ्लफी सा हो गया है, काफ़ी देखो इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे हमारे टिन को, और इसमें हम डाल देंगे हमारा पेस्ट। इसके बाद हमें जैसे ही हम सोडा डाल देते हैं उसके बाद हमें उसको रखना नहीं है, इंस्टेंट हमें कढ़ाई में उसे रखना है, वरना पेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा, डोसा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए मेरे पास स्टैंड जो था थोड़ा बड़ा था तो इसमें वो सेट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें एक प्लेट रखी। यहाँ हमने जुगाड़ यूज़ किया है, अब इसके ऊपर मैं इसको सेट कर दूँगी। हमें डायरेक्ट कढ़ाई की सरफेस पे इसको नहीं रखना है। अब इसे थोड़े से बबल्स बनेंगे, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हमें 20 मिनट के बाद ये हमारा बिल्कुल ढोकला बन के रेडी है। हमें 20 से 25 मिनट रखना है इसे। अब मैं इसे ढक के फिर से 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। एकदम से हम इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। अब मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है तेल, राई और थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्च और करी पत्ते, और इनको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ये देखिए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हम तड़का रेडी कर रहे हैं हमारे ढोकले पे डालने के लिए। मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाएंगे क्योंकि वो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है, और जितना पानी जाता है उतना ही अच्छा हमारा ढोकला बनता है, उतना ही स्पॉन्जी लगता है। मैंने डाला है 1 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक। आप चीनी और नमक अपने हिसाब से डालिए। पानी को थोड़ा सा नींबू डाल दिया मैंने, थोड़ा सा आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ही वो आपके बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट का लगे तो आप उसको वैसे ही डाल सकते हैं। ये देखिए अब हमने गैस बंद कर दिया है, ये हमारा रेडी हो चुका है पानी। अब हम हमारे ढोकले को पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए हम इसको ऐसे थोड़ा टैप करेंगे और ये हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है और कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बन के रेडी हुआ है। आप भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। हमें कढ़ाई में ढोकले को तब रखना है जब हमारा पानी उबल चुका हो, ठंडे पानी में हमें नहीं रख देना है, पहले एक बार उसको गर्म करना है। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे कट। ये देखिए कितना स्पॉन्जी ढोकला बन के हमारा रेडी हुआ है, बिल्कुल जालीदार बना है। अभी हम इसमें जैसे ही पानी डालेंगे ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और बिल्कुल सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम धनिया गार्निश कर देंगे इस पर, और हमारा ढोकला हो गया है बिल्कुल बन के रेडी। तो
तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बना पाएंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल तो दबा ही दीजिए। आप भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।